नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों आज की टाइपिंग स्पीड है 35 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कोतवाली के अरविंद सिंह को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दीपक गुप्ता उर्फ दीपू नामक व्यक्ति तिलक भूमि की तलैया प्राथमिक शाला मैदान में दो देशी सुअर मार बम लिए खड़ा है एवं लोगों को गाली गुप्तार कर भयभीत कर आतंक मचा रहा है। तब हमरा आरक्षक कपिल कोमा विजय के साथ अभी कथित स्थल पहुंचकर देखा तो आरोपी अपने दोनों हाथों में देसी शुअर मार बम लिए था। पुलिस को देखकर डराने धमकाने की नियत से तथा भयभीत वातावरण निर्मित करने के आशय से एक सुअर मार बम रोड पर फोड़ दिया तथा आरोपी से एक जिंदा सुअर मार बम जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। फूटे बम के अवशेष जब्त किए गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी तैयार किया गया। फुल स्टॉप। घटना स्थल का नक्शा बनाया गया। थाने पहुंचकर अपराध क्रमांक 169 पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया। बम को बम निरोधी दस्ते से निष्क्रिय कराया गया। विवेचना दौरान जब्त शुदा बम का रासायनिक परीक्षण कराया गया। विवेचना दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। फुल स्टॉप।
तत्कालीन जिला दंडाधिकारी जबलपुर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई। विवेचनापूर्ण कर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपार्पण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश अनुसार प्रकरण विचारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। अरविंद सिंह मामले का जब्तीकर्ता प्रथम सूचना लेखकर्ता एवं विवेचना अधिकारी हैं। इस साक्ष में यह प्रकट किया है कि आरक्षक कपिल एवं विजय के साथ अपराध पता साजी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभिकथित स्थान पर पहुंचा, जहां आरोपी दोनों हाथों में बम लिए हुए खड़ा मिला तथा पुलिस को देखकर भयभीत वातावरण निर्मित करने के आशय से उसने एक बम विस्फोट कर दिया, जिससे मौके पर उसके अवशेष बिखर गए थे। फुल स्टॉप। गवाहों की उपस्थिति में आरोपी से एक जिंदा देशी शुअर मार बम जब्त कर पानी में डालकर निष्क्रिय किया। इस साक्षी ने जब्ती पत्रक पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। गिरफ्तारी पत्रक पर भी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर यह कहा है कि मौके पर नक्शा तैयार किया गया था तथा नक्शा मौका पर भी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। इसी साक्षी ने यह कहा है कि थाना पहुंचकर अपराध कायम कर
प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। मामले के स्वतंत्र साक्षी विष्णु प्रसाद पटेल द्वारा जप्ती पत्र एवं गिरफ्तारी पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, किंतु उक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से स्पष्टतः अनभिज्ञता प्रकट की है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। फुल स्टॉप।